नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे टेस्ट क्लास जो कि सामाजिक अध्ययन का पार्ट फर्स्ट है, भूगोल। उसमें दोस्तों तीन तक कर लिए थे टेस्ट। आज दोस्तों जो चौथा लेसन है ग्लोब, उसका मैं टेस्ट लूँगा। इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन रहेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप 15 में से कितने सही कर पाए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, वो भी अपना आप ज्वाइन करना ताकि जो भी PDF वगैरह है उसका आप लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसके अलावा दोस्तों तीन क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें आप। उसमें टेस्ट लिए मैंने, पहले पढ़ना लेसन फिर आप टेस्ट देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पृथ्वी के भू आबीय आकार यानी जियोड आकार का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ये सबसे पहले दिया हुआ है दोस्तों एक कहानी के रूप में। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, पृथ्वी के भू आबीय या जियोड आकार का पता किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1671 में दोस्तों फ्रांस के राजा जहां रिचहर ने लगाया था। किसने? 1671 में फ्रांस के राजा जहां रिचहर ने कि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड आकार है। दोस्तों वो कहानी पढ़ लेना आप, उनकी पेंडुलम वाली घड़ी पीछे हो गई थी विश्वतरेखा की तरफ जाते जाते, वही वाली वहीं से प्रश्न मैंने ये बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाद में दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण वाला नियम दिया था, उसके बाद उनको पता लगा था इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों दो नंबर, किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है? किस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। यदि आपने दोस्तों अच्छे से लेसन को पढ़ा है तो आप जरूर उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीन नंबर, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है? किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून। क्या हो जाएगा? 21 जून। ये याद रखना दोस्तों आप, और छठी क्लास की जो बुक है उसमें बाकायदा बीच में सूरज बना के ऐसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती हुई दिखाई गई और पूरा दोस्तों चित्र में समझाया गया है। चार नंबर देखिए दोस्तों, किस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? किस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों दो डेट है, दोनों डेट बता दीजिए आप मुझे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च व 23 सितंबर, 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हमारे भारतीय कैलेंडर में फरवरी 28 व 29 दिन की क्यों होती है? ये दोस्तों मैंने वैसे ही बना दिया क्वेश्चन, हमारे भारतीय कैलेंडर में फरवरी 28 व 29 दिन की क्यों होती है? तो आप माइंड में सोच लीजिए, बाद में बताइएगा क्या आपने सही सोचा। तो पांच का दोस्तों राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम लेती है, यानी 24 घंटे में घूम लेती है। ऐसी दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी 365 घंटे यानी 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो ये दोस्तों ऊपर वाले 6 घंटे ना, ये 4 साल में मिलकर के एक दिन बन जाता है, यानी 24 घंटे बन जाते हैं। तो फरवरी 29 की हो जाती है। तो आपने देखा होगा ना, जो भी लीप ईयर होता है जैसे 2012 2016, इनमें फरवरी 29 की, 2020 में भी 29 की। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद दोस्तों 6 घंटे मिलकर के ये 24 घंटे यानी एक दिन बन जाएगा, इसलिए फरवरी दोस्तों 29 की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब दोस्तों अपनी धुरी के ऊपर 24 घंटे में ऐसे घूम जाती है ये, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर दिवस। इसे सौर दिवस के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सौर दिवस। सौर दिवस का मतलब ये होता है दोस्तों कि पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। ठीक है, सौर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है वह ग्रीनविच मानक समय रेखा के स्थानीय समय से कितने घंटे आगे है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, ठीक है, और
ये दोस्तों 82 सही 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और जो ग्रीनविच मानक समय रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे, कितनी 5.5 घंटे। नेक्स्ट है, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरण को कितना समय लगता है, यानी ये एक देशांतर है ये दो देशांतर है, इनको पार करने में सूर्य की किरण को कितना टाइम लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। दोस्तों देशांतर टोटल 360 होते हैं, ध्यान देना, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 को पार करने में दोस्तों 1440 मिनट का टाइम लगेगा। 1440 है इसको दोस्तों, ये मिनट है, इन मिनट को अपन घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 24 घंटे, और 24 घंटे में दोस्तों पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो इसी तरह से एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 360 को 1440, 1440 को 60 से मल्टीप्लाई किया 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे मानक समय रेखा भी कहा जाता है, ये दोस्तों इंग्लैंड के किस शहर से गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे मानक समय रेखा भी कहा जाता है इंग्लैंड के किस शहर से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, दो देशांतरों के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है, यानी दोस्तों ये दो देशांतर है इनके बीच का जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों मैंने उठाया है क्वेश्चन ताकि आपको पता लगे और जितने लोग जानते हैं वो बताएं, दो देशांतरों के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोर। दो देशांतरों के मध्य भाग को गोर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 नंबर, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध के नाम से जाना जाता है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा ना उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इस तरह से, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंपल सा है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश, यहाँ लिखने में गलती होगी दोस्तों, इनकी कुल संख्या कितनी है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछ रहे तो कितनी है, 181, क्योंकि दोस्तों 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री 180, 90 और 90 और 10 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको मिलाकर 181 होते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों ज्योग्राफी की गहराई में जाएं तो 181 होती है कुल ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 181। नेक्स्ट है, यदि पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो बताइए कुल अक्षांश रेखाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 179। अब समझा देता हूं दोनों प्रश्न आपको, यदि दोस्तों अक्षांश रेखा पूछे तो 181 और कुल अक्षांश पूछे तो 179, कैसे, देखिए दोस्तों ऊपर 90 और नीचे 90 है ना, ये मात्र बिंदु मात्र है, तो 181 में से 2 घटा दिए कितने हो गए 179, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हुई, अक्षांश रेखाएं कितनी हुई 179 और कुल अक्षांश कितने हुए 181, ये ध्यान दे लेना आप, कुल अक्षांश कितने हुए 181, अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो 179, क्योंकि ये 2 बिंदु मात्र है, ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179, कुल अक्षांश पूछे तो 181। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस समय परिक्रमण तल से कितना कोण बनाती है, देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है, ये इसका परिक्रमण तल है दोस्तों, यहाँ से घूम रही है, ठीक है, तो यहाँ से कितना कोण बनाती है, यानी घूमते टाइम झुक जाती है कितनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66.5 डिग्री, कितना 66.5, और अक्षीय झुकाव पूछ ले दोस्तों तो 23.5, अक्षीय झुकाव पूछ ले तो 23.5,
और परिक्रमण तल से कितनी झुकी है, तो 66.5 डिग्री। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप कितने सही कर पाए हैं 15 में से, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कल मिलते हैं, जो लेसन है मानचित्र उसकी टेस्ट लिया जाएगा आपका उसका, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे।